हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले चीज़ कि ये मत सोचना कि ये रैगिंग चल रही है, पीडीपी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमारे कॉलेज में जो है फंक्शन आने वाला है, तो उसके लिए क्या है, थीम वर्क एक चीज़ होती है, तो हम उसका ऑडिशन यहाँ पे चल रहा है। और जितने भी लोग यहाँ परफॉर्म करेंगे वो सब मिक्स है, जूनियर सीनियर, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जूनियर कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो आपको दिखेंगे, हम लोग ही कर रहे हैं सब कुछ। चलो शुरू करते हैं, मुझसे ही कर देती हूँ स्टार्ट। ये अभी सुष्मिता अपने टैलेंट दिखा के आई। ये जी आ रही है, इसके पैर में लगी हुई है, हम लोग जिद कर रहे हैं कि हाँ तुम भी वॉक करती है। तो ये सब लोग हंस रहे हैं कि कैसे वॉक करेगी, बेचारी कोशिश भी कर रही है देखो, बट क्या कर सकती है, तो कैसे इसके मजे ले रहे हैं हम लोग। मज़ा आया आपको वॉक देखने में। बाकी मैं इवनिंग में घर निकल गई फिर, क्योंकि मैं हर सैटरडे संडे को घर जाती ही जाती हूँ। उसके बाद बस भाई मुझे लेने के लिए आया था, और रास्ते में फिर मुझे एक अन्ने का जूस पिलाते हुए लेके गया था। वैसे आपसे बड़ा तो ग्लास लग रहा है यार। सच में इससे बड़ा है ना? अरे हाइट से बड़ा। बस घर पहुंचने के बाद मेरे मामा का लड़का आया हुआ था, तो बस फिर यही था कि उसको ट्रीट देते हैं, क्योंकि यूट्यूब जब से स्टार्ट किया ना मैंने उसको ट्रीट नहीं दिया कभी भी। तो अभी मौका मिला था कि हाँ सब लोग बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, तो बस वहीं निकल रहे हैं। मैं गाड़ी चला के ले जाऊंगी आज, देखते हैं कैसे आ रही हूँ, सेफ पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। आप चलाओ बच्चे। बिल्कुल सेफ, बिल्कुल स्मूथ ड्राइविंग करूंगी मैं पहली बार। निखिल अच्छे से कर, और तेज निखिल, और तेज। हाँ एक आधी चुगली और कर ले। देख आप खाते एक लड़क रुक जाओ। ये तो कवर कर लेते। पसंद आया? अब देखो आशु कैसा लग रहा है ये जीजू। बस फिर हम लोग पहुंच गए कि हमारी रेवाड़ी में जो इकलौता मॉल है ना, जहाँ हमेशा मुंह उठा के चले जाते हैं, बस वहीं आ गए अभी भी। ये कैसी लग रही है तेरे को? मेरे लिए भाई बचपन में हम निखिल को ऐसे कपड़े पहनाते थे हमेशा, लड़कियों वाले। इसका नाम जिजी निकाला हुआ था। सही कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही मैं। व्हाइट व्हाइट मैचिंग मैचिंग आपसे कितना लंबा हूँ मैं देखो। कितना ही ऊपर उठ लो, टिंग में ही लगो तू होना नीचे। बस उसके बाद हम लोग थोड़ा कुर्ते वगैरह देख रहे थे मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को ये थोड़े काफ़ी पसंद आ रही थी चीज़ें। फाइनली हमें एक पसंद भी आया था। मैंने खूब जिद भी की मम्मी से कि पहन के दिखाओ, लेकिन नहीं, मम्मी तो आपको पता ही है कैसी है, तू पहन के दिखा तेरे पे कैसा लग रहा है, फिर देखती हूँ कि मुझे लेना है या नहीं लेना। लेकिन मम्मी को पसंद नहीं आया ये। ऊपर बैठा दो आप।
रसगुल्ला खाओ निखिल, हर बार यही देख देख के बोर नहीं हो रहा, तो याद हो जाना चाहिए तेरे को, एक ही तो बोल रहे बड़े प्राइस याद नहीं है यार। के बाद हम इतनी ध्यान से बैठ के उस मेन्यू को देख रहे हैं, और ट्रस्ट भी मतलब हमने वो मेन्यू कम से कम पता नहीं कितनी बार देख लिया होगा, कि एक ही मोल है यहाँ पे, हर बार आके ऐसे एक घंटा उसमें वेस्ट करते हैं कि हाँ क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे यही बकवास चल रही है, मैं ये लूँगा। फाइनली इतनी ज़्यादा सबा बिठाने के बाद हमने कुछ ऑर्डर किया, और वही ऑर्डर किया जो हम हर बार ऑर्डर करते हैं। तीन तीन खा रहा है तू? हाँ, अरे यहाँ से, अरे बंद कर दो, उसको तो बंद कर दो यार, खत्म हो गई यार दीदी, एक दूसरी लेके फिर करेंगे। उसके बाद भाई कह रहा था कि चलो फोन देखते हैं, अपना फोन अपग्रेड कर लो, लेकिन क्या ही करेंगे यार, जब तक काम चल रहा हो किसी चीज़ में तो चलाना चाहिए ना, मैं इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ, तो बस ये दिखा रहा था इसलिए मुझे देखना पड़ रहा था बोर होते हुए। मेरे साथ शेयर कौन कर रहा है? आपके लिए घर लेना, 2 BHK चाहिए मुझे, दिला दे रहे 2 BHK। बाय गाइस। बस फिर मॉल से आने के बाद हम लोगों ने 1:30 बजे तक लूडो खेला है रात को, क्योंकि लूडो खेलने में मुझे भाई मम्मी तीनों को बड़े मजे आते हैं, और अब तो आर्यन भी आया हुआ था, तो टीम में होके खूब काटी है एक दूसरे की, खूब ही बहुत मजे आए, मतलब हद लेवल मजे आए। बस नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैं सुबह ही वापस अपने हॉस्टल आ गई थी। बस तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगी, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहना। बाय बाय।